दोस्तों, आप सभी का अड्डा 246 में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सभी लोग जानने वाले हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है इन प्रीवियस क्लास, यानी कि आज मैं जो क्लास का पढ़ा रहा हूँ वो सेवन्थ क्लास का है, जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इन प्रीवियस क्लास यानी कि पिछले क्लास में, क्लास सिक्स में आपने पढ़ा होगा, यू लर्न अबाउट दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी लिविंग जो सजीव जाति हैं उन सभी के लिए इसेंशियल है, यानी कि अति आवश्यक है। तो सबसे पहले जानने वाले हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पास एक नोट लिखा हुआ है, यू ऑल्सो लर्न दैट और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। यहाँ पास कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में दिया गया है, क्या क्या फूड के, क्या क्या भोजन के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पास लिखा गया है। जैसे कि आपको यहाँ पास दिख रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये जो है ना, ये है कंपोनेंट ऑफ फूड है, भोजन का। जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, उनका ये कंपोनेंट है। ये हम इस, ये सभी जो भी दिया हुआ है पास, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सभी जो है हमारे लिए इसेंशियल है, अति आवश्यक है, ठीक है, जो कि हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो भी कंपोनेंट आपको दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे जो भी कंपोनेंट दिए गए हैं, ये सभी आपको मिलकर एक क्या बनते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आपको ये यहाँ से आपको न्यूट्रिएंट्स का डिफिनेशन भी आपको मिल चुका होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, प्लांट देम सेल्फ सिंथेसाइज फूड। प्लांट जो, एक प्लांट ही एक ऐसा, इस धरती पे एक ऐसा सजीव जाति के लिविंग थिंग्स में आता है जो कि अपना भोजन हो, जो अपना भोजन है वो खुद से बनाता है, ठीक है, खुद से बनाता है। जैसे कि इसमें हम जानते हैं आगे, इसमें क्या क्या, ये कैसे भोजन अपना बनाता है, इसको वीडियो में आगे अभी जानेंगे हम। और नेक्स्ट आपका दिया गया पॉइंट, ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ह्यूमन जाति यानी कि मानव जाति, और यहाँ पास एनिमल यानी कि जीव जंतु जो भी होते हैं, ठीक है, जानवर, वो गेट फूड यानी कि अपना भोजन जो है प्लांट्स एंड पेड़ पौधे और जानवर से, मतलब कि अपना भोजन जो है वो लोग अपना प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं। अब यहाँ पर सबको देखा होगा नेक्स्ट पॉइंट में, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस यानी कि सजीव जाति और ह्यूमंस और एनिमल्स जानवर, ठीक है, आर डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, पेड़ पौधे पर। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी पे भोजन जैसे कि लेते हैं, भोजन में हम क्या क्या लेते हैं, चावल हो गया, सब्जी हो गया, हरी सब्जी हो गया, तो हरी सब्जी जो हुआ वो क्या, एक तरह से क्या हुआ, एक प्लांट के श्रेणी में ही आता है, ठीक है। या फिर कोई भी सब्जी खाया, जैसे कि फल पौधे भी, फल भी खाते हैं हम लोग, ठीक है, विटामिन के लिए जो भी होता है, उस विटामिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फल भी लेते हैं, न्यूट्रिशन के लिए फल लेते हैं। मान लो कि सेब हमने लिया अपने अंदर, सेब मैंने खाया, तो कहाँ से आया, वो प्लांट से आया। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डिपेंडेंट होता है किस पे, प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर सबको दिख रहा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। क्या दिख रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। प्लांट में जो है क्या मोड है उसका, क्या रोल है उसका, ठीक है, वो आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन का, ठीक है, तो वो जानते हैं। प्लांट मेक देयर फूड बाई यूजिंग वाटर, CO2 एंड मिनरल्स। प्लांट जो है ना, पेड़ पौधे जो है, अपना जो है वो अपना भोजन क्या से बनाते हैं, वाटर से, CO2 से एंड क्या, मिनरल्स से, ठीक है, वाटर, CO2, मिनरल्स के से वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और जो है प्लांट जो है, यहाँ पर न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो होता है प्लांट में। प्लांट कैसा है, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब यहाँ पर होता है ऑटोमिस होता है सेल्फ यानी कि खुद, ठीक है, ऑटोमिस क्या होता है, सेल्फ यानी कि खुद। ट्रॉफिस मतलब यहाँ होता है न्यूरिशमेंट, यहाँ पर लिखा गया है एक आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट क्या होता है, यानी कि पोषण,
अपना खुद पोषण करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, सेल्फ मतलब कि अपने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफिस का मीनिंग क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए आपको प्लांट को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होता है ये। अब यहाँ पास एनिमल या ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। इसमें क्या है, हेटरो मींस होता है अदर, यानी कि अदर कहने का मतलब कि एक दूसरे पर वो खुद से नहीं, यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ये यहाँ आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पास आपको नीचे एक पॉइंट लिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बताया गया द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। न्यूट्रिशन का क्या काम है, न्यूट्रिशन का यह काम है कि आपके जो बॉडी है, आपका जो पूरा शरीर है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है, बिल्ड देयर बॉडीज, अपना बॉडीज को बनाता है, ग्रो करवाता है, यहाँ पर सबको लिखा हुआ है क्या, ग्रो करवाता है, टू रिपेयर करवाता है, रिपेयर किया क्या, किस चीज का रिपेयर कराएगा भाई, गाड़ी उड़ी थोड़ी है कि रिपेयर कराएगा, चक्का टूट गया, बोनट ढीला हो गया, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर क्या होगा आपका, अपने बॉडी को ग्रो कराता है। मान लीजिए कि कोई 5 साल का बच्चा है, वो न्यूट्रिशन लिया, उसका एज बढ़ा, साथ ही साथ उसका जो बॉडी का शेप जो है वो भी बढ़ा, साथ ही साथ वो मतलब कि मान लीजिए कि छोटा में था, मान लीजिए कि 1.5-2 फीट का, तो जब वो न्यूट्रिशन लेगा, अपना जो भी विटामिन है, धीरे धीरे उसका एज बढ़ेगा, तो उसका जो बॉडी का जो शेप होगा वो भी बढ़ेगा, उसका हाइट भी बढ़ेगा। तो ये होता है। और रिपेयर एंड डैमेज पार्ट्स, यहाँ पास क्या है, रिपेयर एंड डैमेज पार्ट्स, जो भी मतलब मान लीजिए कि हम फुटबॉल खेलने गए कहीं पास, मान लीजिए कि दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने चले गए, खेलते खेलते क्या हो गया, मेरा पैर टूट गया, खेलते खेलते क्या हुआ आपका या मेरा क्या हुआ, पैर टूट गया, भगवान करे कि ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पास गलती से हमारा जो है पैर टूट गया। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमको लेना होगा क्या, न्यूट्रिएंट्स हमको लेना होगा, हमको विटामिन्स लेने होंगे, ठीक है, हमको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हमको मतलब जी के फल सब्जी खाने होंगे, हरे सब्जी खाने होंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने होंगे। इससे हमको क्या होगा, हमसे इसको खाने से हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उससे हमारा जो है जो भी पैर टूटा है उसमें उसका जो है मजबूती बढ़ेगा, फिर से वो तैयार होगा, ठीक है। तो ये होता है, हमारे रिपेयर जो भी डैमेज पार्ट होता है उसको रिपेयर करता है, न्यूट्रिएंट्स काम आता है। तो ये सभी लोग आप सभी लोग ये देख लिए, आप लोग सभी लोग ये जान चुके हैं, ठीक है। आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। अगर ये टॉपिक आपको पढ़ने में कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे आपके मन में उठ रहा होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।